मैम पानी आपका, ये लीजिए मैम पानी आपका। अरे इतनी स्माइल क्यों दे रहे हो? अरे लो ना, इतनी खातिरदारी पसंद नहीं यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज पता है आज है संडे, तो आज हमारे यहाँ पे संडे स्पेशल बन रहा है भाई। और संडे स्पेशल में आज बन रही है वही मटर पनीर की सब्जी, जो कि मम्मी की हमेशा से फेवरेट रही है। मनी क्यों मम्मी? हाँ। मटर पनीर में तो इतना ज्यादा आप लोगों को लगता है ना ऑयल डाल देती है, ऑयल किंग है ये। क्यों ऑयल किंग ही बोलूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ का किंग ही ऑयल ऑयल तो नहीं है, पर वो मसाला वसाला जब सेकते नहीं तो वो ऑयल वैसे ही छोड़ देता है। हाँ। और पनीर भी छोड़ता है, पनीर बहुत ज्यादा छोड़ देता है वो, इसलिए शायद आप लोगों को लगता होगा ऑयल। लेकिन आज देखो खुशबू कितनी अच्छी आ रही भाई, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, है ना खुशबू खोल के बताऊँ क्यों? महक आज महक बैठी रहेगी भाई, क्योंकि आज महक की ड्यूटी खत्म हो चुकी है यहाँ से, किचन से। किचन से बायकॉट हो गया महक का, अभी थोड़ी दिन के लिए बायकॉट है भाई किचन से, है ना महक? ठीक है, 5 दिन के लिए कि 7 दिन के लिए? 5 दिन का है मेरा। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है, रेस्ट तो दो थोड़ा सा अपने आपको, तब तक मम्मी रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद में फिर मम्मी को रेस्ट दे देना तुम, सही है ना? चलो गाइस, एक चीज़ और खुशखबरी आप सभी के लिए कि हमारा जो रूम का था वो फाइनल हो चुका है, कि अभी हम लोग को कहाँ लेना है वो पूरा फाइनल हो चुका है। और अच्छा रूम है, ठीक है, हम लोगों ने रूम तो देख लिया है, रूम अच्छा है और प्रॉपर हम लोगों को जम गया है। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस कम है लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हो गया ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक तो पता है ना कि क्या इस सिटी में के अंदर हम लोग को सभी जानते हैं, मोस्टली सभी पर्सन जानते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम वाला मैटर है सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, किसी को क्लोज भी नहीं कर सकते कि यार हम लोग ऐसे हैं वैसा है सिस्टम सब कुछ, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली वाले कितने ज़्यादा डरते हैं इन चीज़ों को लेके। तो ऐसे लोगों को ही हम लोग लेंगे, ठीक है, ताकि उनको सब कुछ बता सके कि भाई ऐसी ऐसा सिचुएशन है, और जो लोग एग्री कर सके। और मैंने क्या है ये हिंदू संगठन वालों से बात कर ली है, उनकी नज़र में भी कोई अच्छा रूम होगा तो वो बता देंगे। तो उन्होंने ही, ठीक है, ये डिसीजन लिया है कि आप लोग यहीं पर रहो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको, और थोड़ी सी उनसे भी चर्चा कर ली है। तो उन्होंने मुझे एरिया बता दिया कि आप लोग इस एरिया में ले सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एरिया उनके हिसाब से चूज़ किया है अभी हम लोगों ने और फाइनल कर दिया है। अब फटाफट से हम लोग वहाँ जाएंगे और सारा जो सामान है वो शिफ्ट करने में अभी हम लोगों को 2 दिन तो लग ही जाएगा भाई, और फिर बाकी वहाँ पे जाना भी है, सारा सामान समेटना है, अभी तो घर की कंडीशन क्या हो रही होगी वो भी देखना पड़ेगा, वहाँ पे पता चलेगा अभी थोड़े दिन बाद, देखते हैं जब भी होगा। लेकिन अभी हम लोगों को 26 तारीख से पहले पहले वहाँ से खाली करना है, क्योंकि जो रेंट है ना वो फिर बढ़ जाएगा वहाँ से, इसलिए अभी हम लोग खाली करेंगे वहाँ से जल्दी। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग ऊपर भी बना सकते हो टीन शेड डाल के, तो मैं उनको इतना बोलना चाहूँगा कि ऊपर बना सकते हैं भाई, लेकिन टीन शेड डालने के पापा मना कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुको, ठीक है, अपन 5-6 महीने के बाद में थोड़ा सा उसका देखेंगे, कुछ जो भी होगा, ठीक है, वो पता चल जाएगा आप लोगों को ब्लॉग्स में। तो इसलिए फिर अब क्या है कि 2000 रुपये देने से अच्छा है, देखो अभी हम लोग एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो बाद में वापस से उसको निकालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है, ठीक है, अभी थोड़ा सा रुकते हैं। क्योंकि पता है सिचुएशन ऐसी है कि अभी दादी जी शांत हुए थे ना, तो दादी जी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था उस टाइम भी, जब मतलब जो होता ना 13वीं होती है उस टाइम भी थोड़ा सा खर्चा हो गया था, और उसके बाद में हम लोग चले गए थे, तो फिर थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी, मतलब सब टेंस में थे, पापा भी काम वाम पे नहीं गए थे उस टाइम पे काफ़ी टाइम पे। तो अब धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें मैनेज करेंगे और ऊपर का फ्लोर हम लोग रेडी करेंगे जल्दी से। देखो जो है आप लोगों के साथ में एसिडीज है, अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि अभी हम लोगों ने एक वीडियो शेयर करा था तो एक व्यक्ति का कमेंट आया था ऐसा कि भैया आप क्या ये हमेशा मतलब इस तरह के गंदा वर्ड यूज़ करा था वहाँ पे, तो क्या ये सब चीज़ें क्यों दिखाते रहते हो? ठीक है, आप लग्जरी लाइफ दिखाओ, लग्जरी लाइफ इन द सेंस जैसे कि ट्रिप पे जाओ, गोवा घूमो और अपनी लग्जरी लाइफ दिखाओ, कार लो, ये करो वो करो, इस तरह का कमेंट करा था भाई। तो मैं उन भाई से बोलना चाहूँगा, देखो भाई अभी हम लोगों की वो लाइफ नहीं है जो आप लोग शायद एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसी लग्जरी लाइफ दिखाओ, ठीक है, वो होगा तो समय पे हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन अभी वो लाइफ नहीं है तो हम लोग आपके साथ में शेयर नहीं कर सकते वो वाली चीज़ें। ठीक है, जो हमारी रियल लाइफ है, हम खाना बनाते हैं, घूमते फिरते हैं, छोटी मोटी चीज़ें करते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, या जो भी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी चलती है तो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो वो ऐसे ही है भाई हम लोग। तो उसमें हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि दिखावे वाली ज़िंदगी आप लोगों को दिखाएं जिससे कि आप लोग खुश हो सको, नहीं भाई, जो है रियल, मुझे लगता है कि रियल रहना ही ज़्यादा बेहतर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि रियल रहना ज़्यादा बेहतर है या फिर फेक रहना ज़्यादा बेहतर है, आप लोग बताना हम लोगों को। बाकी हम लोगों को तो रियल रहना पसंद है, अगर आप लोगों को दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है तो वो भी आप लोग बता सकते हो कि भैया आप दिखाओ, ठीक है, दिखाने में हम लोग दिखा सकते हैं, सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं,
लेकिन बस इतना है कि दिखाने से ज़्यादा बेहतर है कि जो रियल है वो चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करें। उस टाइम पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है, आपको पता है कि हमारा घर का किचन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। धीरे किचन हम लोगों ने कंप्लीट कराया है, तो उस टाइम भी अगर हम चाहते तो आप लोगों को वो किचन नहीं दिखाते कि अरे यार कैसा किचन है हम लोगों का, कैसे शेयर करेंगे किसी के साथ में, अच्छा नहीं लगेगा, वो चीज़ें हम लोग नहीं दिखाते आप लोगों को। लेकिन हम लोगों ने जैसी चीज़ें थी वही आप लोगों के साथ में शेयर करा, और धीरे धीरे करके वो चीज़ें ठीक हो गई, किचन बन गया ठीक है, ऐसे करके ऊपर वाला फ्लोर भी बनेगा। और जब चाहते हो ना जैसे गोवा घूमे, यहाँ करे वो करे, वो सब चीज़ भी होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए भाई, क्योंकि अभी सबसे पहली चीज़ हम लोगों को एक मतलब एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उसको धीरे धीरे कर करके मेंटेन करने में समय लगता है हर चीज़ों को, तो वो भी चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे परिवार वालों को खुश रखना, वो चीज़ें मैटर कर रही है, ठीक है। तो अभी देखो महक क्या कर रही है यहाँ पर, महक क्या हो गया, क्या हो गया, मुँह खुला के बैठे हो, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ पक्का? क्या हो गया, बड़ी करने का मूड है? चलो गाइस लड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको, है ना, फुंसी हो गई यार, पिंपल हो गया, ये देखो पिंपल हो गया, छोटा सा पिंपल हो गया, फुंसी फोड़ दो क्या, ये देखो इधर होते रहते हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत नॉर्मल है ना, होते रहते हैं ये, क्यों गाइस यहाँ पे आज खा रही मम्मी चना चोर, भाई मम्मी ने आज तक खाया नहीं चना चोर। तुम मम्मी को क्या समझो, क्या समझो, खाया होगा मम्मी ने, नहीं खाया, नहीं नहीं खाया मैंने, नहीं खाया, वो एक ट्रिक होती है, देख ट्रिक कौन सी होती है, मैं खाती हूं खाने के लिए बाहर ट्रिक, तो फिर मतलब क्या है, मेरा बस मैं अच्छा बनाना मम्मी के लिए, पहली बार खाई हूं हाथ का बना हुआ बड़ा बेस्ट खाना, चना चोर भी बनाने लग गए क्या? देखो वो हाथ से तो बना रहे, सीख जाऊंगी अगर देख लूंगी एक बार, वो भी सीख जाऊंगी। वाह भाई, अब फिर घर में खिलाओगे मतलब, और क्या, क्या बात है, मैं सिर्फ एक ही लेना है, दो ले लो, क्यों? अंदर दो पीस बैठे हैं, दो तीन पीस खाओगे, खाओगी, तुम क्या खाती हो, और ठीक है भाई बाय, ये कहाँ खाती है, ये तो ज्यादा ही खाती है, ज्यादा ही खाती है, अब तो कैपेसिटी बढ़ गई यार धीरे धीरे, है ना, कितनी इतनी बताए, इतनी थी इतनी हो गई, सही है ना, कैसा बनना जा रहा है, ये रहा कितने कितने का है, 10-10 रुपये का है, एक और बना, हाँ तो बना रहे ना। देखो गाइस यहाँ पे मम्मी को खिलाने की जगह सबसे पहले लिया है डॉन ने, मम्मी ने ना नींबू नहीं खाई हुई, अच्छा, और अभी तुमको नींबू है, मम्मी सर्दी कब हो रही थी, किसको, किसको, अरे तने नहीं है नींबू, इसको एलर्जी होती है, सर्दी तो नहीं होती, एलर्जी हो जाती है, एलर्जी मुझे बस अच्छी आ जाती है, लेकिन है ना इसमें नहीं इतना हल्का सा डाला हमने तो, ऐसा सही है, तू आ जा, भाग दे, हां मम्मी को खिला दिया, ये लो मम्मी, इसमें नहीं है नींबू, एक और बनाओ, गाइस देखो यहाँ पे साथ में सब बैठ गए हैं, डगू भी हो गया हमारे साथ में, कैसा लगा, अच्छा सही बे, मजा आ गया, तो पापा भी आ रहे हैं, पापा के लिए रेडी हो रहा है यहाँ पे मेरा, है ना, अच्छा है, तो पापा देखो पापा खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो सही था, देखो वो किचन में ही वो सब्जी हिला रहा है, मम्मी यहाँ बैठ गए सब्जी हिला रहे हैं, देखो पापा वो बैठे, मैं यहाँ पे मटर पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है, खतरनाक, वो उधर सब कुछ इकट्ठे हो गए, उधर उनको बुला ले क्या पार्टी करने के लिए, किनको, सब बाहर जाके देख लो एक बार, अरे वो तो खुशबू से भक्के के है, खुशबू ही घर से बाहर जाती है, मतलब कि इतना टेस्टी खाना बनाना, इसीलिए तो वो कह रहा है ना कि पेट आ रहा है, मोटे हो रहे हो, सेहत बन रही है। क्यों तुम काम पानी डोल गया यहाँ पर, किसने डोला, आपने, मैंने थोड़ी डोला मम्मी, मैंने पानी डोला था क्या, ये मम्मी डोलती रहती है, ये देखो भाई सोहन के लिए बच्चा हुआ, गाइस आज थोड़ी सी महक की तबीयत डिस्टर्ब है, और आप लोगों को दिख ही रहा होगा इसका मुंह का गुस्सा, चिड़चिड़ हो रही है, अरे फिर तो क्या है, अब तो मचा रहे हैं,
मचा देंगे धूम। मम्मी आज धूम मचा ले, सूट नहीं पहना है जी, तब भी उसके बाद में भी आज धूम मचाने की सोच रही है। क्या 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 इरादे क्या है? घबराहट हो रही क्यों? गर्मी गाइस हमारी सिटी के अंदर अभी भी टेम्परेचर गया नहीं भाई, 38 डिग्री सेल्सियस सोचो उमस के साथ में होगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं चल रही, आप लोग पसीना देख रहे होंगे साथ, इतना खतरनाक पसीना आ रहा है। और ऊपर से पता है जब भी हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, तब एक प्रॉब्लम करनी होती है हमारे साथ में, फ़ैन ऑफ करना पड़ता है अभी हम लोगों को, तब जाके आवाज़ आप लोगों को क्लियर पहुँचती। पानी पी लो भाई, पानी देते हैं हुकुम साहब को, पानी दो भाई। हाँ पानी दो भाई, माँ को पानी पिलाना पड़ रहा है। ये लीजिए मैम पानी आपका, ये लीजिए मैम पानी आपका। अरे इतनी स्माइल क्यों दे रहे हो? अरे लो ना, इतनी खातिरदारी पसंद नहीं यार, खातिरदारी पसंद नहीं, आदत नहीं है, आदत नहीं है ना, हाँ। वो आदत को वो वाली कुटे देने वाली आदत हो रही है ना इसलिए। धन्यवाद। देखो मुझे तो ऐसे मतलब ऐसे रहे में पानी से ज्यादा तो सोन नहीं पिलाते, कोई भी फर्क नहीं रहता, वही देते सबसे ज्यादा, मतलब ये हमारी सरासर बेइज्जती है। आपको मतलब ना आप जा सोन पानी में, तब सो मैं कहीं कुछ काम कर रहा रहता हूँ, आप बिजी रहता हूँ तो फिर ना, इसलिए मैं फोन में बोल रही हूँ, फोन में आप। हाँ तो वही ना, आज खातिरदारी कर रहे हैं तो पसंद नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे। हाँ हाँ ठीक है ना, आप नहीं करेंगे है ना, मजाक कर रही है यार। नहीं चलो गाइस, अभी हम लोग तो पेट पूजा करेंगे भाई, भूख लग रही है, संडे मना रहे हैं हम लोग, तो आप भी संडे एंजॉय करिए, ठीक है, हैप्पी संडे, बाय बाय।